हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल लॉजिकल फैंटास्टिक ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनली थर्ड एंड आखिरी ओडीआई मैच की, जो श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में होने वाला है। ये जो मैच है ये अगेन पल्ले के लिए स्टेडियम पर ही होगा। सो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको दो मैचेस के एग्जांपल देकर के बताऊंगा, जो दो मैच हुए हैं उसमें मैंने क्या क्या आपको बताया था और क्या क्या चीजें हुई थी, और आज भी इस मैच में आपको किन किन चीजों का ध्यान रख के अपना टीम क्रिएट करना चाहिए, ताकि आप अपना एक यूनिक ग्रैंड लीग का टीम क्रिएट कर सको। सो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। 2 बजे लाइनअप देखने को मिलेगा, एंड सबसे पहले मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताने वाला हूं पिच रिपोर्ट, ताकि आपको पता रहे कि इस पिच पर जनरली जो है ना कितने रन बनते हैं एंड किस डिपार्टमेंट को ज्यादा विकेट मिलते हैं। दैट मींस के पेसर्स को ज्यादा विकेट मिलेंगे या फिर स्पिनर्स को ज्यादा विकेट मिलेंगे, ये सब बात आपको ध्यान में रख करके ही अपना टीम क्रिएट करना है। एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आज के इस मैच के लिए कैप्टन, वाइस कैप्टन का कंटेंडर आपको किसे बनाना है, आज के इस मैच के लिए कौन आपके टीम का ग्रैंड लीग पिक हो सकता है और कौन होगा ट्रम्प कार्ड प्लेयर। लेकिन आपको जो दो तीन चीज मैं बताने वाला हूं वो आपकी स्क्रीन पे अब रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेकंड ओडीआई मैच था एंड इस मैच के अंदर दोनों विकेट कीपर श्रीलंका की टीम से कुशल मेंडिस एंड समार विक्रमा ड्रीम टीम में आते दिख रहे होंगे आपको। एंड ये जो टीम बनी है ये 2-3-3-3 के स्ट्रक्चर पे बना है, जो कि बहुत ही नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही बैलेंस स्ट्रक्चर माना जाता है फैंटेसी टीम क्रिएट करने के लिए, स्पेशली इन ओडीआई मैचेस। तो आप देखेंगे 3 ऑलराउंडर है, 3 बैट्समैन है और 3 बॉलर के साथ ये ड्रीम टीम बनता दिखा था। सिमिलरली अगर आपको याद होगा, फर्स्ट ओडीआई मैच जो हुए थे, जिस मैच के अंदर पैथम निशांका ने शतकीय पारी खेली थी, और उस मैच के अंदर भी नॉर्मली ऐसा ही बैलेंस स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था। सो आज हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, क्या आज की इस मैच में अफगानिस्तान के भी कोई विकेट कीपर ड्रीम टीम में आ सकते हैं, क्या रमल्ला गुरबाज का ऑप्शन मतलब के बारे में मैं सोच सकता हूं कि वो ड्रीम टीम में आने के उनके चांसेस है, क्या इकरम अली खिल भी आ सकते हैं, बल्लेबाजी से अगर आप देखेंगे तो क्या आज भी श्रीलंका के केवल चारित असलांका ही ड्रीम टीम में रहेंगे या फिर 2 बैट्समैन भी श्रीलंका के आ सकते हैं, ये सब बात हम आपको बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों देखेंगे, आपने देखा होगा अविष्को फर्नांडिस जो कि मेंशन तो हुए लाइनअप में और सीधे सीधे ड्रीम टीम में भी मेंशन होते दिख रहे हैं। सो आज इस मैच में हम अपनी टीम में किस बॉलर के साथ जाए, 4 अगर बॉलर लेंगे तो क्या 2 प्लेयर हम अफगानिस्तान के भी ले सकते हैं बॉलिंग सेक्शन से, ये सब बात आपको बताऊंगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। लेकिन उससे पहले हमारा जो भी फाइनल टीम होगा, फाइनल जो भी प्रेडिक्शंस होंगे, ग्रैंड लीग का कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो भी फाइनल होता है वो सब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं। टेलीग्राम का लिंक मैंने सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में दे दिया है, या फिर मैं तरीका आपको बता देता हूं। ये जो वीडियो आपको दिख रही है, इस वीडियो में मोर पे यहां पर क्लिक करेंगे और आपको डिस्क्रिप्शन में ये दोनों लिंक दिख जाएगा, वहां क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए, या फिर सबसे ऊपर कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक से ही ज्वाइन करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर फेक चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे वहां पर काफी तरह की फ्रॉड चीजें चल रही होती है, तो आपको उससे बचना चाहिए और हमेशा आप प्रेफर कीजिए लिंक से ही ज्वाइन करने की। सबसे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इस पिच पर पल्ले के लिए स्टेडियम पे ऑलमोस्ट 42 मैचेस हुए हैं, जहां पर जनरली ज्यादातर टीम मैचेस जो है ना वो चेजिंग करने वाली टीम ने जीता जरूर है, बट पिछला 2 मैच जो है ना वो पहले बैटिंग करने वाली टीम को काफी ज्यादा हेल्प पहुंचाया है। रिसेंटली इस वेन्यू पर हो रखे कुछ मैचेस को अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा रन भर भर के बनते हैं। पिछला 2 मैच जो है वहां भी अगर आप देखेंगे रन बहुत अच्छे खासे बन रहे हैं, लगभग 400 के आसपास रन बन रहे हैं, और यही रीजन है कि उतने ज्यादा मार्जिन के साथ, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहां पर, यहां 42 रन के साथ यहां टीम जीत रही है और यहां पर 155 रन के साथ जीत रही है। तो इतने मार्जिन के साथ जीतने का मतलब ही है कि ये पिच बहुत ही हाईली बैटिंग फ्रेंडली बिहेव किया है, जिसके वजह से बैट्समैन ज्यादातर और विकेट कीपर ड्रीम टीम में आते दिखे। अगर हम पेसर स्पिनर्स की बात करें तो जनरली यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो पेसर्स को ज्यादा हेल्प रहता है एज कंपेयर टू स्पिनर्स। यहां पर देखेंगे पहले इनिंग में, पहले के अंदर 2 विकेट पेसर्स को मिले, सेकंड इनिंग में 6 विकेट पेसर्स को मिला, स्पिनर्स को इस मैच में केवल 1 विकेट मिलता है। यहां देखें सेकंड मैच में पहले इनिंग में मिलता है पेसर्स को 4 विकेट, दूसरे इनिंग में पेसर्स को मिलता है 5 विकेट, टोटल 9 विकेट, एंड स्पिनर्स को मिलते हैं लगभग 4 से 5 विकेट, 6 विकेट यानी ठीक है। तो स्पिनर्स के लिए रहती है चीजें, लेकिन वो जनरली आप देखेंगे कि सेकंड बॉलिंग में ज्यादातर स्पिनर्स यहां पर अच्छा खासा करते दिखाई दे रहे हैं, 4 विकेट जो स्पिनर्स को यहां से मिल रहा है। तो हम आज के इस मैच के लिए भी नूर अहमद जैसे खिलाड़ी, या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वनिंदु अजरंगा या महेश टिकसाना जैसे खिलाड़ी को अपनी टीम में लेंगे, लेकिन ट्राई करेंगे सेकंड बॉलिंग में लेकर के जाने का, क्योंकि वहां पे जो है ना चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो ज्यादा विकेट आपको लेकर के दे पाए। हेड टू हेड देखेंगे तो लास्ट का 5 मैच अगर आप ध्यान से देखेंगे, 5 मैच में 4 मैच श्रीलंका ने जीता है। सो श्रीलंका को ही फेवर करके हम चलेंगे आज के इस मैच के लिए भी। वेदर रिपोर्ट बहुत क्लियर आपको दिखाई देगा, हम एक एक करके सारे प्लेयर पे आपको जस्ट लेकर के चलते हैं, आपको बताते हैं कैसे आपको अपना अपनी टीम में किस प्लेयर को लेना है। फिलहाल स्ट्रक्चर देखिए, तो आपको जो स्ट्रक्चर बनाना है 2-3-3-3 का
बनाना है एंड दूसरा स्ट्रक्चर 2-2, 3-4 का बना करके चलना है। बैट्समैन और ऑलराउंडर को ही सीवीसी ट्राई करके आपको चलने चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल वेन्यू से हमने क्या सीखा, एक बैलेंस विकेट मान के चलेंगे जहां पर रन बैट्समैन को ज्यादा फेवर मान करके चलेंगे, पिच पे बैट्समैन को ज्यादा हेल्प रहेगा, पेसर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल विकेट रहता हुआ दिखाई देगा। ये चीज हम मानकर हम एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में देखने चलते हैं कि किसको हम अपनी टीम में ले सकते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की टीम में हम आ गए हैं एंड यहां से ध्यान देंगे तो सबसे पहले प्लेयर है पैथम निशांका। अभी मैं आपको दो टीम भी दोस्तों बना करके दिखाने वाला हूं एंड दो टीम जो मैं बना के दिखाऊंगा ये पूरी वीडियो के एनालिसिस एंड निचोड़ के बाद बनाऊंगा एंड देन आपको बताऊंगा। एंड में मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन की लिस्ट, ड्रॉप प्लेयर की लिस्ट, दो ऐसे खिलाड़ी जिनको एक साथ नहीं ट्राई करना उसकी लिस्ट एंड फिक्स प्लेयर की लिस्ट भी बताने वाला हूं। ट्रंप कार्ड प्लेयर तो मैं बताता ही हूं। तो चलिए सबसे पहले प्लेयर की बात कर रहा था पैथम निशांका की। फर्स्ट मैच के अंदर पैथम निशांका ने जो इनिंग खेली वो दोहरी शतक वाकई हिस्टोरिकल था। और पैथम निशांका एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके एवरेज को देखेंगे ना 50 प्लस मैच के अंदर 40 प्लस एवरेज के साथ खेलते हैं। और बात है आखिरी मैच में 18 रन बना करके आउट हो गए, बट ये खिलाड़ी हमेशा ही अच्छा करके दे सकते हैं। इस तरीके की परफॉर्मेंस इनकी देखी जाती है। पहले बैटिंग जब हो तो डेफिनेटली आपको बैक करना चाहिए। जीएल की टीम में पहले बैटिंग में सीवीसी भी ट्राई करके आप चल सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि आज के इस मैच में कैप्टेंसी इनको ना दे करके आपको जिसको देना है उसके उसका चार प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, मैं को एंड में बताने वाला हूं, तो उस पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। दूसरे प्लेयर की बात करें अविष्का फर्नांडो है, ओपनिंग करते हैं लेकिन उतने ज्यादा उतनी लंबी इनिंग्स इनके बल्ले से जनरली देखने को नहीं मिलता है। टोटली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिट एंड मिस टाइप के बल्लेबाज आप कह सकते हैं इन अ फेयर वे, क्योंकि इनका ना कई बार बहुत लंबा स्कोर नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर 5 मैच खेला है 4-3 मैच के अंदर है ना वो जनरली 20-25 रन बना करके आउट हो जाएंगे। ओडीआई फॉर्मेट का यही हाल रहता है, तो आप चाहो तो इन पर रिस्क लेकर के चल सकते हो। हालांकि 32 के एवरेज के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अगले प्लेयर है हमारे पास कुशल मेंडिस, डेफिनेटली आपको बैक करना चाहिए, हमारी टीम के अंदर बाई डिफॉल्ट फिक्स प्लेयर होंगे। विकेट कीपर से विकेट कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, जनरली ये है ना इतनी लंबी इनिंग्स बल्ले से जनरली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पिछला 2 मैच जिस तरीके की कंसिस्टेंसी इन्होंने दिखाई है, उम्मीद करता हूं कि आज की इस मैच में भी आपको अच्छा खासा स्कोर करके दे और कैप्टेंसी की भी पारी खेल करके शायद दे दे। समार विक्रमा ओडीआई का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं, है ना। और इसको ना अगर आप ध्यान से देखेंगे इनके नंबर्स आपको डिसेंट दिखेंगे, मतलब बिलो एवरेज नहीं कह सकते, एवरेज यानी कि डिसेंट नंबर्स है, लेकिन कई बार इनके बल्ले से लंबी पारियां भी हमें देखने को मिली है। आज के इस मैच के अंदर आपको अपनी टीम में पहले बैटिंग जब हो तो जीएल के अंदर आपको इन्हें भी बैक करके चलना चाहिए। अगले प्लेयर है चारित असलांका, नंबर्स अगर आप देखेंगे 40 प्लस के एवरेज के साथ परफॉर्म करते हैं, बट आप अगर वेन्यू पर देखेंगे बहुत ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा। रिसेंटली इन्होंने कुछ स्कोर भी ऐसे किए हैं जहां पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो अगर आपको इस प्लेयर को लेना हो जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 40-50% है, तो आपको अपनी टीम से जैनित लिया लांगे को ड्रॉप करना होगा, जो कि आखिरी मैच के अंदर ड्रीम टीम में आते दिखे थे और मैंने इनके बारे में क्लियरली बता रखा था कि ये खिलाड़ी ड्रीम टीम आएगा और 2-3 ओवर की बॉलिंग भी इन्होंने पार्ट टाइम कराई। सो ये दर्शाता है कि ऐसे प्लेयर्स को आपको अपनी टीम में अपॉर्चुनिटी जिसके पास हो उनको बैक करके जरूर चलना चाहिए। सो अगर चारित असलांका ले रहे हो, जैनित लिया लांगे अपनी टीम से ड्रॉप करके आपको चलना है। वीरेंद्र असरंगा अपनी टीम के अंदर आपको फिक्स लेकर के जाने चाहिए, उसका मेन रीजन ये है बॉलिंग का बैकअप रहता है, बैटिंग आ जाए तो बैटिंग से भी अच्छा कर सकते हैं। मैं इस प्लेयर के बारे में अगर आपको बताऊं तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनको बाय डिफॉल्ट आपको अपनी टीम में लेकर के जाने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इंडियन टीम के अंदर रविंद्र जडेजा को देख ले, हार्दिक पांड्या को देख ले, है ना। आप अगर अफगानिस्तान की टीम में देखेंगे उमर जाई जैसे प्लेयर हो जाते हैं, तो वैसे ही वनिंदो हसरंगा श्रीलंका की टीम में प्लेयर होते हैं जो एक बेहतरीन कॉम्पैक्ट ऑलराउंडर होते हैं जो कभी भी आपको पॉइंट दिला करके जा सकते हैं। अगले प्लेयर की बात करें दोस्तों वो है महेश टिक्षाना। टिक्षाना को आज की इस मैच के अंदर आपको जरूर बैक करना चाहिए, स्पेशली इन सेकेंड बॉलिंग आपको कवर करके चलना चाहिए। उसका रीजन मैं बता रहा हूं यार, ये खिलाड़ी आज इस मैच में ड्रीम टीम में आते दिखाई दे सकते हैं। सेकेंड बॉलिंग में मैं मान के चल रहा हूं इनको विकेट मिलेंगे, है ना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर हसरंगा ले रहे हो अपनी टीम में तो टिक्षाना को ड्रॉप करना, दोनों में से किसी एक के साथ ही आपको जाना है, क्योंकि वेन्यू से अगर किसी को विकेट मिलेंगे 2-3 विकेट ही जनरली स्पिनर्स को इस वेन्यू पर देखने को मिलता है। दिलशान मधुशांका बेहतरीन लेफ्ट आर्म पेसर की कैटेगरी में आते हैं, जो विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है, डेथ के अंदर भी बॉलिंग करते दिखते हैं, और डेथ इन द सेंस है ना ओडीआई फॉर्मेट में, यानी कि तब तक टॉप 5 टॉप 6 प्लेयर खेल चुके होते हैं, बल्लेबाजी अपना कर चुके होते हैं, और वहां पर जब वो खेलने आते तो उनके चांसेस होते हैं कि वो विकेट फेंक दे।
इसीलिए इनको अपनी टीम में बैक करके आपको चलना चाहिए। ऐसे तो फर्नांडो बैक तो किए थे आखिरी मैच के अंदर, नंबर्स अगर आप देखेंगे इनके तो डिसेंट ही नंबर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। आखिरी मैच में भले वापसी की है लेकिन मतलब के विकेट भी निकाला और ड्रीम टीम में वापसी भी किया इन्होंने, दो विकेट निकाला अभी, बट आज इस मैच में मेरे हिसाब से आप अपनी टीम से छोड़ दीजिएगा और इनकी जगह अपनी टीम में आपको लेना है प्रमोद मधुसूदन को या फिर अपनी टीम में दिलशान मधुशांका को। दिलशान मधुशांका बाय डिफॉल्ट ले लेना, प्रमोद मधुसूदन अपनी टीम के अंदर फर्स्ट बॉलिंग में ट्राई करके चल सकते हो। बात करें अगर अफगानिस्तान की टीम से किसको लेना किसको नहीं लेना है तो गुरबाज की बात करेंगे। रेवनला गुरबाज एक ऐसे खिलाड़ी जिनके नंबर्स अगर आप देखेंगे 36 37 प्लस मैच के अंदर इन्होंने 35 36 के एवरेज के साथ परफॉर्म कर रखा है। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखेंगे तो बहुत कम ही दिखेगा, इस हिसाब से एक मतलब के छोड़ने लायक प्लेयर बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यार अपॉर्चुनिटी इनके पास भरपूर है, अगर फर्स्ट बैटिंग आए तो इस प्लेयर को सीवीसी में भी ट्राई कर लेना जीएल की टीम में, क्योंकि यही वो डिफरेंशियल प्लेयर्स होते हैं जो आपको लंबा स्कोर करके कभी भी कैप्टेंसी वाली पारी खेल करके दे सकते हैं। इब्राहिम जरदान की बात करें बहुत बढ़िया प्लेयर है यार टी20 फॉर्मेट में तो और भी ज्यादा, लेकिन ओडीआई मैच है ये बात और है कि टीम फॉर्म में नहीं है अफगानिस्तान की, जिस वजह से इब्राहिम जरदान ड्रीम टीम में आते दिखाई देते हैं। आज भी पहले बैटिंग में मैं इनको अपनी टीम के अंदर फिक्स लेकर के जाऊंगा, ये अच्छे पिक हो सकते हैं। रहमत शाह ओडीआई फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, जनरली ये खिलाड़ी आपको अपनी टीम के अंदर बैक करके चलना चाहिए। जीएल की टीम जब क्रिएट करना तो रहमत शाह को पहले बैटिंग में जरूर कवर करके चलिए। वहीं पर बात करें अगर अगले प्लेयर की वो है हशमतुल्ला शहीदी। अब हशमतुल्ला शहीदी की बात करूं लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अजमतुल्ला उमरजाई के बारे में। उमरजाई जिनके पास बॉलिंग का बैकअप रहेगा, ठीक है, तो अगर उमरजाई को अपनी टीम में ले रहे हो आप जो बॉलिंग बैटिंग दोनों से अच्छा कर सकते हैं, चार नंबर पे खेलते हैं, बैटिंग भरपूर करने के चांसेस रहने वाले हैं, तो आप अपनी टीम के अंदर से आपको क्या करना है चारित श्रीलंका सॉरी रहमत शाह और हसमतुल्ला शहीदी इन दोनों में से किसी एक के साथ ही जाना है, जो कि अगर आप हसमतुल्ला शहीदी का देखेंगे नंबर इनका हेड टू हेड में ठीक दिखेगा, वहीं पर चारित श्रीलंका का देखे रहमत शाह का देखेंगे तो वो आपको बहुत कम के एवरेज के साथ परफॉर्म करते दिखाई देंगे। तो इसीलिए आपकी अपनी टीम के अंदर दोनों में से डिफरेंशियल लेना है। अगर पहले बैटिंग होती है तो रहमत शाह को बैक करना, हसमतुल्ला शहीदी को अगर आपको लेना हो तो फिर रहमत शाह को छोड़ करके आप चल सकते हो। वहीं गुलबदीन नबी की बात करें बॉलिंग का बैकअप तो जरूर रहता है लेकिन इनके ओवर्स कभी भी कटते रहते हो तो उतने सेफ ऑप्शन हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, जीएल वगैरह में ट्राई करके चलना। मोहम्मद नबी की अगर मैं बात करूं दोस्तों बॉलिंग का बैकअप एंड बैटिंग आ जाए तो वहां भी अच्छा करते हैं, पूरे 10 ओवर की बॉलिंग करते हैं, डेफिनेटली आपको बैक करना चाहिए, फिक्स लेकर के जाइएगा। गुलबदीन नबी अनफॉर्चुनेटली अगर इनको विकेट मिल गए ये और बात है, लेकिन यार जनरली देखिए 2-3 ओवर ही बॉलिंग करते हैं तो यहां पर इनके चांसेस कम रहेंगे कि विकेट निकाल पाए। कई बार होता है ऐसा बॉलर कोई आ जाए जिनको लकीली विकेट मिल जाता है तो उसका तो कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें क्या है ना लॉजिकली तार्किक एंड एनालिसिस बेस्ड टीम बनानी है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो गुलबदीन नबी के पास कम ही मौका है एज कंपेयर टू मोहम्मद नबी। आगे बात करें इकरम अली खेल की, तो अगर टॉप 4-5 प्लेयर में 2-3 प्लेयर ड्रॉप कर रहे हो तभी आप इकरम अली खिल को बैक करना, नंबर्स इनके उतने आउटस्टैंडिंग नहीं दिखेंगे लेकिन मौका मिल गया तो ये आपको शतकीय पारी भी खेल करके दे सकते हैं, इस बात का ख्याल रखना। सो अगर आप गुरबाज को ड्रॉप कर रहे हो, रहमत शाह को छोड़ रहे हो, हसमतुल्ला शहीदी को छोड़ रहे हो, केवल इब्राहिम जरदान उमरजाई मोहम्मद नबी के साथ जा रहे हो तो इकरम अली खिल को बैक जरूर कर लेना। मैं आपको बताया हूं, आपको शायद समझ में ना आया हो, मैं यहां से बता देता हूं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आया हो। यहां देखिए अगर आप यहां पे रमल्ला गुरबाज को ड्रॉप कर रहे हो, इब्राहिम जरदान को केवल ले रहे हो, रहमत शाह छोड़ रहे हो, हसमतुल्ला शहीदी छोड़ रहे हो और उमरजाई को ले रहे हो, गुलबदीन नबी को भी मोहम्मद नबी को ले रहे हो तो अपनी टीम में यहां से इकरम अली खिल को ले लेना, यानी कि ये चार प्लेयर आपकी टीम के अंदर होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखना अगर ऐसी टीम बना रहे हो, जो कि मैं अभी आपको बना करके भी दिखाऊंगा। अगले प्लेयर की बात करें वो है नूर अहमद। वैसे तो नूर अहमद स्पिनर्स की कैटेगरी में जो आते हैं तो यहाँ वेन्यू से उतना सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहो तो सेकेंड बॉलिंग में प्रेफर कर सकते हो। हालांकि टीम अफगानिस्तान का जो फॉर्म है उतना बढ़िया नहीं है, सो हाई स्कोरिंग मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। तो अगर आप एक ऐसी टीम बनाओ जहां पर ना कैप्टन बनाओ मान लो रमल्ला गुरबाज को या फिर मान लो इब्राहिम जरदान को, यानी अफगानिस्तान के टॉप प्लेयर को, टॉप बैटर को, तो आपको क्या करना है वीसी वगैरह में ट्राई इसको करके सेकेंड बॉलिंग में ट्राई कर लेना है। लेकिन ये तब बनाना है आपको टीम जब आप ये मानकर चलो कि अफगानिस्तान टीम जीतेगी और अफगानिस्तान लंबा स्कोर करेगी, तभी आपको ऐसा टीम बनाना है, इस बात का ख्याल रखना। फजलक फारूकी हमारी टीम के बाय डिफॉल्ट फिक्स प्लेयर होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं कि यार दो विकेट इजीली निकाल करके देंगे एंड ड्रीम टीम में भी आते दिखाई देंगे आज के इस मैच के लिए।
वही फरीद मलिक की बात करें उतने सेफ ऑप्शन हमें नहीं लग रहा, आप चाहो तो इनको छोड़ सकते हो, फारूकी के साथ में फरीद मलिक का डिफरेंशियल भी आप ले करके चल सकते हो। बाकी हमारा फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा आपको। सेक्शन वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर देखिए सबसे सेफ ऑप्शन विकेट कीपर से कुशल मेंडिस है, जिनको आपको बैक करके चलना चाहिए, या फिर दोस्तों यहां से अपनी टीम में समार विक्रमा को आप बैक कर सकते हो, जिनको पहले बैटिंग में यहां से ट्राई कर सकते हो। गुरबाज को पहले बैटिंग में ट्राई किया जा सकता है, जीएल की टीम अगर क्रिएट करो जहां गुरबाज को ड्रॉप करो एंड अपनी टीम में इब्राहिम जरदान को लेकर के जाओ, उमरजाई को तो इकरम अली आपकी टीम में होने चाहिए। बैटिंग से अगर मैं बात करूं दोस्तों पैथम निशांक का पहले बैटिंग आप बैक कर सकते हो एज अ फिक्स प्लेयर, लेकिन सीवीसी में उतने सेफ हमें नहीं लग रहा है। अविश्क फर्नांडे को जीएल के पहले बैटिंग में ट्राई करना है, अदरवाइज छोड़ देना है। चारित असलांगा अगर ले रहे हो तो रहमत शाह को अपनी टीम से छोड़ करके चलना है। वही बात करें अफगानिस्तान की टीम से, इब्राहिम जरदान बाय डिफॉल्ट फिक्स प्लेयर होंगे, सॉरी चारित असलांगा अगर ले रहे हो तो अपनी टीम में लिया लांगे को छोड़ करके चलना है। लिया लांगे ले रहे हो तो चारित असलांगा को छोड़ करके चलना है। अगर हम बात करें यहां से तो हसमतुल्ला शहीदी रहमत शाह में हम डिफरेंशियल लेकर के जाएंगे, मिडिल ऑर्डर में खेलते कभी भी स्कोर करके दे सकते हैं। वनिंदो अतरंगा हमारी टीम के बाय डिफॉल्ट पिक होंगे, हसमतुल्ला उमरजाई हम फिक्स लेकर के जाएंगे। गुलबदीन नबी से पहले मैं मोहम्मद नबी को फिक्स लूंगा, अगर मोहम्मद नबी को छोड़ेंगे हम गुलबदीन नबी पे रिस्क लेकर के चलेंगे, क्या पता इनके ओवर्स इंक्रीज कर दिए जाए जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। ओवर्स इनके बहुत करते गुलबदीन नबी के, दो तीन ओवर ही बॉलिंग करते दिखाई देते हैं। आगे अगर हम दोस्तों बात करें बॉलिंग से तो हम ठिकशाना को लेंगे लेकिन सेकंड बॉलिंग में लेंगे, लेकिन जब ठिकशाना को लेंगे हसरंगा को ड्रॉप करेंगे। दिलशान मधुशांको को हमारी टीम में हम फिक्स लेके जाएंगे, प्रमोद मधुशन को भी फिक्स लेकर जाएंगे। चमीरा की बात अगर करूं तो चमीरा की जगह पर बिनेरो फर्नांडो ने पहले मैच में रिप्लेसमेंट की जगह ली थी, लास्ट मैच में तो ये खेले ही नहीं थे, लेकिन बिनेरो फर्नांडो अगर खेलते भी है तो उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे, छोड़ देना। फजल फारूकी बाई डिफॉल्ट फिक्स प्लेयर के तौर पर लेना, नूर अहमद ड्रॉप कर सकते हो, फरीद मलिक के साथ फजल फारूकी को डिफरेंशियल लिया जा सकता है। अब मैं बात करूं ग्रैंड लीग पिक की, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको फिक्स प्लेयर बताऊं कि कौन होगा हमारी टीम में फिक्स प्लेयर। पैथम निशांका, कुशल मेंडिस, समार विक्रमा, प्रमोद मधुसन, वनिंदो असरंगा एंड यहाँ पर जरदान, मोहम्मद नबी, दिलशान मधुशांका, इनको आपको अपनी टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेना है। कैप्टन, वाइस कैप्टन जो आज आपको करना है, देखिए जनरली ना लोग है ना बहुत सारे प्लेयर को कैप्टन कर रहे हैं, पांच छह प्लेयर ऐसे जो पॉपुलर प्लेयर है जो फॉर्म में जो आखिरी मैच में बढ़िया करके आ रहे हैं उनको कर रहे हैं, बट आपको जो करना है वो आप कर सकते हो कुशल मेंडिस को, वनिंदो असरंगा को कर सकते हो, वीसी लेकिन ओनली वीसी, वो भी उमर जाई को एंड मोहम्मद नबी को, ये सेफ सी वीसी है ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहो तो इनको सीवीसी कर सकते हो, ठिकशाना को वीसी कर सकते हो, रहमत शाह को सीवीसी कर सकते हो और गुरबाज को भी सीवीसी करके चल सकते हो। ये काम करके चलना, ये जो टीम बनाना यहां से जो लेकर के, तो आपने अफगानिस्तान को फेवर करके टीम बना दो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना।